कक्षा दसवीं वाले सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, त्रैमासिक एग्ज़ाम आपकी आने वाली है, तो उसके लिए जो आपका पेपर आने वाला है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे क्लास टेंथ वाले इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, एक बार आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आगे भी सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नींबू के रस की प्रकृति क्या है? तो नींबू के रस की जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी? अम्लीय आपका राइट आंसर होगा। सभी स्टूडेंट्स कॉपी में नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा आपका अम्ली। इसमें आपका राइट आंसर होगा। क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होगा? तो जल्दी से भी बताएंगे क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होगा। तो ये होगा आपका पीएच 7। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडे का विलयन। चाकू द्वारा आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है? तो सोडियम को काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम यहाँ पर खालिस्तान की। खालिस्तान देखिएगा, पहला संतरा में अम्ल उपस्थित रहता है। तो जिसकी संतरा होता है ना, उसमें जो रस अम्ल जो रहता है वो उपस्थित रहता है, कौन सा? इसे कहते हैं हम सिट्रिक अम्ल। संतरे में जो अम्ल होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा खालिस्तान में। ठीक है, दूसरा देखिए, जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है इन्हें कहते हैं, तो इनको कहते हैं साथियों गंधी सूचक कहा जाता है। जली विलयन में क्षारक आयन देते हैं, तो इसमें आपका खालिस्तान में आ जाएगा डाइड्रॉक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर 2019 में भी ये प्रश्न आया है दो और एक इसके नीचे वाला। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसका सूत्र होता है CaSO4, ये इसका सूत्र है। और उसके पीछे आपको ये थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा 1/2H2O, ये पूरा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा सत्यफत्य। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होती है सत्य। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है, तो बिल्कुल सही बात है, सत्य कर लीजिएगा। और अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, असत्य। ठीक है, गलत। अगला देखिएगा, वर्षा के जल की पीएच मान अब 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्ली वर्षा कहलाती है, तो यहाँ पर चौथे में आ जाएगा आपका सत्य। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना मूर्ति या सजावट का सामान बनाने में होता है, तो ये भी होगा आपका सही। आगे देखिएगा जोड़ी, और जोड़ी यहाँ पर आपको सही बता देते हैं। सिरका, देखिए क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में आया था सिरका, तो इसको आप किससे मिलाएंगे मित्रों? एसिटिक अम्ल से। इमली, इसको मिलाएंगे आप टार्टरिक अम्ल से। और चींटी का डंक, इसमें आपका होता है, चींटी का जो डंक होता है साथियों, इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में। और नींबू में जो होता है वो होता है आपका सिट्रिक अम्ल। और टमाटर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। चले आगे भी देख लेते हैं हम। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। देखिएगा, नेटल एक शाकी पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्त्राव होता है? तो इसमें जो नेटल होता है साथियों, ये चींटी जैसा होता है, और इससे जो अम्ल निकलता है वो मेथेनोइक अम्ल निकलता है। जिस प्रकार चींटी के डंक से मेथेनोइक अम्ल निकलता है, उसी प्रकार नेटल एक शाकी पादप है। शाकी मतलब शाखाओं पर, पेड़ों पर रहने वाला, डालियों पर रहने वाला। धावन सोडा कौन सा लवण है?
तो ये है क्षारीय लवण। पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या है? CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के अनुसार ही मिल पाएगा। और घंटी बटन कॉल पर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4th, तो जल में घुलनशील क्षारक ही क्षार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। ठीक है, ये और इस पार्ट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो नंबर क्वेश्चन है, इनको आप देख सकते हैं। जिप्सम क्या है, क्या होता है, अगर आपको ये देखना है तो आप पढ़ सकते हैं। ये दो नंबर के सभी क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और इस पार्ट से संबंधित यदि कोई सा क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।